चिकन बनाने कहाँ से सीखा है? यूट्यूब से। ये ब्लॉग अभी कुछ दिन में अपलोड होगा भैया, ये बाल से मिलाना जरूरी है। जो नहीं चल रहा, वीडियो चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबा देना। साथ में बेल बटन दबा देना। डेल हावड़े है ना ऑर्केस्ट्रा वाला, देखने मने हम लोग को मौत का कुआ देगा, सबको देगा। तो काम है भाई, जो इलेक्ट्रिस दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को। तिल थोड़ा मात्रा कमती है, तुमको लहसुन मिला है तो हमको तो लहसुन मिला है, हमको लीचा को आधा देना पड़ेगा लग रहा है। गरम है यार, लो लहसुन का भाती कुछ अलग होता है। वो कलर देख लीजिए, पूरा चंपारण मीट लग रहा है। बोतल नहीं मिला, बिहार में भी ऐसा मीट नहीं मिलेगा आपको। सो फाइनली हमारा खत्म हो गया, टकर का अभी खत्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इसका सबसे स्लो है ये। ले जा, निकलो का निकलो। बाद में यूट्यूब में देखो, शेयर करो। ब्लॉगर है, यूट्यूब ब्लॉगर ब्लॉगर। ये हाउस वार्मिंग पार्टी है दादों का तरफ से। इसको लाओ भैया, आपका और व्यूअर बन जाएगा। क्या बोला, क्या बोला? जब से आप यूट्यूबर ब्लॉग बन रहे हैं ना, तब से हम यूट्यूब ही बिजनेस बन रहे थे। कहीं बन गए हैं, बहुत दुख की बात है। संदीप और कौन बना? हाँ, तुम और कौन बना? यंग को मेरा तो आएगा, सीरियल वाइज आएगा। तो दर्शकों कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। चिकन बनाने कहाँ से सीखा है? यूट्यूब से। यूट्यूब से कुछ अच्छा सीखा है, इसलिए यूट्यूब को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करते रहो ना। और क्या क्या सीखना है यूट्यूब में? और बहुत कुछ सीखना है, और बहुत कुछ सीखना है, सीखते रहना है। वो वाला को हम सुखा दिया, पानी निकल रहा है अभी, और ये वाला को ब्रो कर रहे हैं, तो हो जाएगा थोड़ी देर में। वही खेलते रहने गाइस, आज हमारा पहला दिन है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस काफ़ी जोरों शोरों पर है, और प्रैक्टिस पूरा चल रहा है अभी। दादो और जॉन भाई फर्स्ट बैटिंग करेगा, तो बने रहिए। ये अपना भाई हैंडसम ही है। हाँ, तो वही है, थक चुका है, मैच चल रहा है भाई। वीडियो नहीं चल, वीडियो चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। रेडी है ना? रुक तो, कितना मारेगा बेंगलोर साइड में? आप बोलो, दिल्ली वाला को आप जो डिमांड करेगा। ओके, लेट्स सी, बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए मार पाता है कि नहीं। सो फाइनली प्रैक्टिस चल ही रहा है, बॉलिंग करके थक चुका है। कमरा भाई अभी कमान संभाल रहे, और काफ़ी अच्छा चल रहा है मैच। इधर जोन भाई का बैटिंग हो चुका है, ये ताकर कर रहा है, सोनिया कर रहे हैं, ताकर रेडी हो रहा है उधर, और सोनिया भी रेडी है, और यंग फोक पानी लाने गया हुआ है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। वैसे नाम है एम मौसू, नाम ही काफ़ी है। और इधर कमरा, कमरा भाई ठीक है ना? एकदम शुरू शुरू हो गया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहने का। कांग्रेचुलेशंस एनसीसी। President New Zealand Cricket Club will be awarding him a memento for the man of the match, certificate, and man of the match case prize. So this is 1,000, but we are giving honoring 2,000 rupees.
और ये स्पेशली द स्पॉन्सर जो अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन का टेक्निकल स्टाफ है यू गॉट दिस मैन ऑफ द मैच अवार्ड टुडे एंड दैट इज आल्सो पर्टिकुलरली आज पहला मैन ऑफ द मैच गोज टू मिस्टर संदीप ठाकुर वन ऑफ द पायनियर इन अरुणाचल क्रिकेट साउथ से कांग्रेचुलेशन फॉर दैट एंड मुझे लगता है कि दो बात आपसे भी सुने आज टूर्नामेंट के बारे में और अपने टीम के परफॉर्मेंस के बारे में और अपने बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू और तो जो मेमोरियल टूर्नामेंट है था तो भैया मतलब पप्पू बारे में बोलने से क्रिकेट लाने में एक तरह से उनका ही बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि था तो भैया ही था जब पप्पू बारे में लड़का लोग मतलब क्रिकेटर था लेकिन उतना नहीं खेलता था तो आतू भैया हो गया बिट्टू सर हो गया मतलब इन लोग जो आने के बाद जैसे हमारा ये भी आया तो इसमें भी बहुत बड़ा हाथ है आतू सर का पप्पू बारे में और क्रिकेट तो चलता ही था लेकिन पप्पू बारे में खासकर जैसे कि अभी मैंगो तो पहले से भी खेलता था लेकिन मैंगो में भी बहुत सारा एकेट में उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा हुआ आ गया तो ये अतु भैया को तो हम लोग भी कभी नहीं भूल सकेगा हमेशा वो हमारे दिल में ही रहेगा तो ये टूर्नामेंट जो हुआ है तो हम ये टूर्नामेंट के लिए भी बहुत अच्छा मतलब अपने तरफ से थैंक्स देता है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है कि ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है कि उनको भी याद करें और उसके साथ साथ हम लोग अरुणाचल में क्रिकेट को भी बढ़ावा दे सके तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और रहा बात हमारा मैच का तो मैच में हाँ कुछ थोड़ा बहुत हमारा बैट्समैन लोग थोड़ा बहुत क्लब्स था लेकिन फिर भी ऐसे नहीं है कि हम लोग उसको रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि हमको हमारे टीम पर पूरा भरोसा है कि उन लोग कर लेगा थैंक यू सबको कर लेगा नहीं करके दिखाया भी है कांग्रेचुलेशन एंड नेक्स्ट स्टेज के लिए किन कौन से टीम के साथ आपका जो क्लैश होगा वो बाद के रिजल्ट्स के बाद पता चल जाएगा तो द नेक्स्ट पोल नेक्स्ट स्टेज जो है वो अभी भी सस्पेंस में है टिल देन होप यू आल्सो विन इन द नेक्स्ट स्टेजेस आल्सो थैंक यू वेरी मच एंड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट इज ऑल वी हैव हम इधर पराठा खाने आए अभी मैच बारिश आ गया था तो रुक गया था ये ब्लॉग तो ये ब्लॉग अभी कुछ दिन में अपलोड होगा भैया ये बाल वैसे मिलाना जरूरी है बाल जो सुबह सुबह जल्दी आ गया बिना नहाए आ गया तो तेल और लगाए नहीं है हम लोग हम लोग पराठा खाए सुबह सुबह अभी संदीप को तिरने वाला है वो जा रहा है अंडा खाया बने रहिए वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फॉलो करते रहिए।